पहाड़ी इलाके के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक ढोंगी बाबा आया हुआ था जो लोगों को अंधविश्वास के नाम पे खूब लूटता था। उसी गांव में वैशाली भी रहती थी जिसका पति 2 साल पहले पता नहीं कहां चला गया, अभी तक लौट के नहीं आया था। वैशाली देवी माँ की खूब पूजा पाठ करती थी। वो यह सोचती थी कि एक दिन देवी माँ मेरी बात जरूर सुनेगी और पति घर वापस आ जाएगा। हे माता रानी, मेरी आपसे एक ही विनती है कि मेरे पति जहाँ कहीं भी है खुशहाल रहे और घर जल्दी लौट आए। एक दिन पड़ोसन से पता चला कि गांव में एक बाबा आए हुए हैं। उसके पास अदृश्य शक्तियाँ भी हैं जिसकी मदद से वो कई साल पुराना खोया हुआ धन हो या इंसान आसानी से बता देते हैं। तुम सही कह रही हो क्या रागनी, तो मैं कल ही बाबा के पास जाकर आऊंगी। वैशाली बाबा के पास आ गई और आप पे बीती सब बात बताई, पर बाबा ने उसकी मदद ना करके उसका फायदा उठाने का मन में सोचा। तुम क्यों परेशान होती हो बेटी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बस तुम्हें कल रात मेरे घर आना होगा। वैशाली को पता चल गया कि बाबा के मन में खोट है, वो वहाँ से चुपचाप चली गई। बाबा ने वैशाली का खूब इंतजार किया पर वैशाली वापस कभी नहीं आई। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं वैशाली के घर गया तो ये गांव वाले मुझे मार देंगे, इसलिए तुम लोग उसे उठा लाओ। बाबा जी, आपका काम तो हो जाएगा पर पैसे भी लगेंगे, हम लोग आज ये काम कर देंगे अगर आप पैसे के लिए हाँ करो तो। पैसे की तुम चिंता मत करो, बस आज रात उसे मेरे घर ले आओ, कैसे भी। वो दोनों ढोंगी की बात मानकर वैशाली को बाबा के घर ले आए और बाबा को सौंप दिया। देवी माँ मेरी मदद करो, मुझे इस दुश्मनों से बचा लो। उसी समय देवी माँ प्रकट हुई और उस ढोंगी बाबा को खत्म किया और वैशाली को बचा लिया। हे पुत्री, तुमने मेरी इतनी पूजा की, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बता बेटी मुझे क्या चाहिए। माँ आपसे क्या छुपा है, मेरे पति को घर ले आओ माँ। देवी माँ ने आशीर्वाद दिया और सुबह ही वैशाली का पति घर लौट आया और उनका परिवार खुशहाल जिंदगी जीने लगा।